जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के शहरी आवासहीन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। तिरसठवें ग्रैमी अवार्ड्स 2021 लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए। इस पुरस्कार समारोह में मीगन द स्टालियन और हैरी स्टाइल्स को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवार्ड शो में बियॉन्से ने एक इतिहास रचा, वो 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कलाकार बन गई हैं। ट्रैकर ऑफ द ईयर अवार्ड बिली आइलिश को एवरीथिंग आई वांटेड के लिए प्रदान किया गया था। टेलर स्विफ्ट के फोकलोर एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हैरी स्टाइल्स को वॉटरमेलन के लिए बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का पुरस्कार दिया गया। लेडी गागा और एरियाना ग्रांडे के रेन ऑन मी को सर्वश्रेष्ठ पॉप जोड़ी के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन करेगा। राज्य में उगाया जाने वाला काला नमक चावल कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। राज्य ने पहले झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ उत्सव का आयोजन किया था। बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बनाया जाएगा। इसका नाम महान सिविल इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस नए कोच टर्मिनल को शहर के बायप्पनहल्ली में बनाया जाएगा। इसे 314 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा।